हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो अभी सब हम लोग पहुंच चुके हैं सीरा सीता और जोहार, जय सरना, जय झारखंड। और अभी तो फिलहाल प्रार्थना शुरू हो चुका है, तो अभी पे वहीं पे जा रहे हैं और प्रार्थना पूरा होने के बाद आपको दिखाते हैं ककड़ो लाता। और अभी प्रार्थना पूरा हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं ककड़ो लाता। फिलहाल तो अभी यहाँ पे जगह खाली होने का बहुत वेट किए हैं, चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, ककड़ो लता से पूजा करने के बाद सब अभी धर्मकंडों की ओर जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मकंडों के पास। ये जो कंडो है, इसमें सरनामा बैठती थी चालायो, और ये जो है इसमें धर्मेश बाबा। और ये जो साइड में आप जैसे देख सकते हैं, ये सब सभा के लिए। हेलो गाइस, आप लोगों को एक दुर्लभ चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी जो हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं, उस पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, और वो पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना आ जाए। और यह आदिवासियों के लिए पवित्र जगहों में से एक है, और उस जगह को डबनी चुआ कहते हैं। यह जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि वहाँ सरनामा पानी पिया करती थी, और यह भी माना जाता है कि जितने भी श्रद्धालु डबनी चुआ के दर्शन के लिए पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, और वह चढ़ाई पूरे करने के बाद डबनी चुआ का पानी पीने से सारा थकान दूर हो जाता है। अब इसे चमत्कार माना जाए या आस्था का एक रूप, देख लीजिए। स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, और पूछने से पता चला है कि चढ़ने में कम से कम एक घंटा तो लग सकता है, तो वीडियो पे बने रहें। फिलहाल तो अभी से ही थक गए हैं, देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं, फिर भी आप लोगों को तो दिखाना ही है। देखिए, सभी कोई चढ़ रहे हैं डुबनी चुआ को देखने के लिए। देखिए, छोटा सा खाई। तो चलिए अभी पाहन बाबा से कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो पाहन बाबा, कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ का बारे हम बता दे रहे हैं। देखो, इसी जगह है, सात गुतनी है, सातो भैया है ना। हाँ, सात गुतनी, सातो भैया है, यहीं पर चलायो है। फिर इसका हल भी है, जुवट भी है। हल और जुवट। हाँ हाँ, हार जुवट। और पहले आया था कि नहीं आया था? पहले और भी आए हैं एक बार, आया और पूरा नहीं चढ़े थे इसलिए। अच्छा, अभी तो देखो, अभी तो देखो ककड़ो लाता गया था होगा, हाँ। तो बाद में धर्मकंडो गया था होगा, हाँ। तो फिर उधर से आ रहे हैं इधर, हाँ। हाँ। तो वहाँ पर महादो है, महादो पर्वती है, हाँ। तो इस गांव में कम से कम पांच ठो धाम है। पांच ठो धाम है, धाम हाँ, पांच ठो धाम है ना यहाँ पर। देखो, धर्मकंडो, महादो पर्वती, और यहाँ है धर्मकुड़िया, और ढगनी चुआ, और है धनकुधा, ऊपर में है धनकुधा, ऊपर है, हाँ। ढगनी चुआ, ढगनी चुआ से ऊपर, ऊपर ऊपर है। इसलिए माँ बोलती है कि देखना पहन, जितना भी बाल बुतरू आएगा वो सब के लिए बढ़िया से अच्छा से बोल देना, बता देना, हाँ, कहाँ कहाँ मेरा स्थान है वहाँ वहाँ बोल देना, कि वहाँ पर अगर लेट जे आएगा तो फिर बता तो नहीं सकेगा, और
जल्दी से जल्दी आ जाएंगे तो बोल सकना। तो अभी हम लोग पाहन बाबा से कुछ कुछ बात किए तो पता चला है कि डबनी चुआ से और भी ऊपर जगह है, धानकुधा बोलते हैं बाबा, धानकुधा है। तो फिलहाल पहले तो डुबनी चुआ तो पहुंच ले, इसके बाद वहां पहुंचा जाएगा। अभी जो फिलहाल पाहन बाबा से जो बात किए तो अगर सभी चीज़ का अगर एक एक वीडियो बनाया जाए तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हो तो बाद में इसका प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे, हर एक एक चीज़ का डिटेल। ऐसे तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए लोगों का पैरों का ताकत, इतना बड़ा लकड़ी लेकर के। ये सब अपना बस का बात नहीं है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों को ऊंचाई का अंदाजा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में कुछ और भी पता चला है, ये देखिए नज़ारा। अभी तो हम पहाड़ी पे हैं तो उस जगह के बारे में चलिए पूछ लेते हैं। तो बताइए कुछ। फिलहाल अभी थक गए हैं तो इसलिए आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और कभी टाइम मिलेगा तो उस जगह को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। फिलहाल तो उस तरफ अभी ठीक से रास्ता नहीं बना हुआ है तो थोड़ा जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो और कभी जाया जाएगा उस जगह पे। तो दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे, अभी शायद आप लोग को दिखा सके कि कितना ऊँचाई है। तो दोस्तों आखिरकार एक घंटा के मशक्कत के बाद आखिरकार पहुंच ही गए हैं। चलिए आप लोग को ऊपर जाकर दिखाते हैं। तो देखिए यही वो जगह है, यहाँ कभी पानी कम नहीं होता है। तो चलिए एक बार पाहन बाबा से बात कर लेते हैं। अभी नहीं चुकता है तो ढाकन धर्म कुड़िया में जाता था, चला आया पानी लेके, यहाँ पानी पीता था और यहाँ रहता था, धर्म कांडों में बैठने जाता था, वहाँ धर्म कांडों में और भाया बहन का कुलता में वहाँ था दोनों, और धान कुधा पूरा कुधा ऊपर हो जाता है 5 किलोमीटर, यहाँ पानी नहीं सूखता है इतने। तो अभी पाहन बाबा से बात हुआ तो इसके ऊपर और एक जगह है धान कुधा पूरा कुधा ऐसा कुछ, और वो इससे और ऊपर है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट बार कभी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना क्योंकि बहुत ऊपर चढ़े हैं।